हेलो। हेलो, तैमूर घर पर है क्या? कहीं नहीं, वो घर पर नहीं है। तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रही? मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? मैं इतनी देर से तैमूर को कॉल कर रही हूँ, लेकिन मेरी कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा है। मुझे लगा शायद वो घर आ गया होगा और तुम्हारे सामने जानबूझकर मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मेरे सामने जब भी आपका फोन आता है ना, तो तैमूर हमेशा उठाते हैं। तुम मुझे क्या जताना चाह रही हो? कि मैं ना इतनी खास हूं और ना ही अहम? तुम मैंने आपको क्या जिताना है? मैं जानती हूँ आपकी और तैमूर की बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जाहिर है, हमारी केमिस्ट्री इतनी मिलती है, शायद ही तैमूर की केमिस्ट्री इतनी किसी और से मिले। उसके दिल में बात होती है और मैं समझ जाती हूँ। एनीवे, मैं थोड़ी देर में ना तुम्हारे घर आ रही हूँ, तब तक तैमूर भी आ जाएगा। एक्चुअली मुझे ना उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हो सकता है आज हम डिनर भी बाहर करें। एक्सक्यूज मी, ओ तैमूर की कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। कर दें, कितना देखेंगे, बोर नहीं होते ये एल्बम देखकर? नहीं यार, किंजा अच्छा लगता है बार बार देखना। देखो कितना हैंडसम लग रहा हूँ, हाँ? और तुम दुल्हन बनकर कितनी खूबसूरत लग रही थी। देखो अब हूं तो लगूंगी ना। इस बड़े चक्कर काटे थे आपने मुझसे शादी करने के लिए। मैं तो हैरान हूं, मेरे अब्बा भी मान गए, वरना वो गैरों में कभी भी शादी नहीं करते। हाँ ये तो सच है, जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, उसी वक्त से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। वैसे मैंने भी जब पहली बार आपको देखा था ना, सोच लिया था कि आपसे शादी करूंगी। एक फैसला आपने जिंदगी में सबसे अच्छा किया, जानते हैं क्या? मुझसे शादी करके। चलो तुम्हारे मुंह से किसी तरह तारीफ तो सुनी। मुझे सुहेल छोड़कर चले गए भाई, मैं कैसे जीऊंगी सुहेल के बिना? मैं कैसे जीऊंगी सुहेल? ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया मेरी बहन? ये खबर सुन के मेरे पैरों तले जमीन निकल गई है। अभी कुछ दिन पहले ही सुहेल भाई से मेरी बात हुई, ये सब कुछ ठीक ठाक था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की है मुझसे। फिर ये अचानक
और तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया उनकी बीमारी के बारे में। कैसे बताती मैं? मैंने बहुत कोशिश की, कि मैं सुहेल को बचा लूं। मैंने बहुत कोशिश की, मैं हार गई भाई। हौसला कर, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा दुख है। लेकिन तुम्हें बहुत सब्र के साथ और हिम्मत के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। क्योंकि तुम्हें अब अकेले इस घर को, अपने आप को, खास तौर पे इन बच्चों को अब तुमने संभालना है। क्योंकि इस दुनिया में अब तुम्हारे सिवा इनका कोई नहीं है। क्या बात है फलक, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी। स्कूल और घर ने तुम्हें शायद थका दिया है। तुम्हें काम करो, स्कूल की जॉब छोड़ दो। अब तो मेरा काम भी अच्छा चलने लगा, अल्लाह का शुक्र है। तैमूर, आप जानते हैं मैं बच्चों को पढ़ाने से नहीं थकती, मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं। तो फिर क्या बात है? कोई बात नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उस स्कूल की जॉब छोड़ दो फलक। क्यों बिलवाजा सा कदर पाला हुआ तुमने? और जॉब छोड़कर क्या करूँ? सारा दिन घर बैठी रहूँ। अब तो आप भी बहुत लेट आते हैं। तुम्हें पता है मैंने आज लंच भी नहीं किया, काम से ही नहीं फुर्सत मिल रही थी, कुछ भी नहीं किया मैंने। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपके लिए खाना लगाती, आप बैठे। आप नहीं 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 अभी रहने दो, तुम बस मुझे अगर एक कप चाय पिला दो तो अच्छा है। अभी जारा से मेरी बात हुई थी, वो कह रही थी कि वो आ रही है, तो फिर इकट्ठे खाना खा लेंगे। मैं आपके लिए चाय बना लूं, आप फ्रेश हो जाएं। अगर थकी हुई है तो रहने दो, जारा आके खुद ही बना लें। जारा क्यों बना देगी? मैं मर गई हूँ जो आपका काम जारा करेगी। क्यों रहे हैं? मैंने क्या कोई लतीफा सुना दिया आपको? हाँ लतीफा नहीं है, लेकिन दिल की बात तो बता दी ना, और मैं समझ भी गया। मुझे बार बार फोन कर रहे हैं यार। हेलो जी, बात कर रहा हूँ, कौन? क्या तैमूर, क्या हुआ? किसका फोन था मुझे बताएं। फलक, सुहेल भाई अब नहीं रहे।
बस बेशरम का भूत उतरा नहीं सर से। मैं तो समझी थी कि जान छोड़ चुकी है तुम्हारी, मगर नहीं, ऐसी पिछल पैरियां उस वक्त तक जान नहीं छोड़ती जब तक आखिरी खून का कतरा न पी ले। क्या हो गया मियां? कभी तो कुछ पॉजिटिव सोच लिया करें। अब तुम मुझे ये बताओगे कि पॉजिटिव भी सोचा जाता है? जी बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने ही पढ़ाए हुए सबक को भूलने लगेंगी तो मैं कोई बच्चा नहीं हूं। अपने अच्छे बुरे सही गलत की तमीज जानता हूं, और अगर मैं चाहूं तो अपनी मर्जी से अपनी पसंद से शादी कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी खुशी को दिल से अपनाएं। तो क्या मेरी ये ख्वाहिश गलत है, नाजायज है? क्या आप किसी तौर पे मानने को तैयार ही नहीं है? आसिम, अभी तो वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई तो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। जब वो तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी तब तो तुम मुझे पांव की जूती समझोगे। हला मैं ऐसा क्यों करूंगा? और आपको लगता है मैं ऐसा करने वाला हूं? मीम, बल्कि आपकी इज्जत मेरे दिल में मजीद बढ़ जाएगी कि आपने अपने दिल की नहीं मेरे दिल की मानी। और मैं यकीन दिलाता हूं कि सोनिया भी आपकी फरमाबरदारी करेगी, मेरा यकीन कीजिए। पहले अपनी गारंटी तो दे दो, फिर किसी का यकीन दिलाते रहना। मेरे जीते जी ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। पप्पू, आप अपने भाई से मोहब्बत करती थी ना? आपने हमसे वादा लिया था कि आप मेरा बहुत ख्याल रखेंगी, तो मेरी खातिर, आप प्लीज मेरी खातिर आसिम की बात मान लीजिए, वरना खुदा की कसम मैं यहाँ से इतनी दूर चली जाऊंगी कि आपको मेरी खबर तक नहीं मिलेगी। प्लीज। मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरे हक मेहर की रकम नहीं मिल जाती। कुछ नहीं मिलेगा, ये यहाँ से ऐसे ही जाएगी खाली हाथ जैसे मैं आई हूँ। हानिया, 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 हानिया। इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही हूँ? आजकल ज़हीन का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया। हो सकता है ज़हीन खुद को बदलना चाहता हो, तुम्हारे और अपने रिश्ते को एक नया मौका देना चाहता हो। बस आप लोग देखते जाए मैं करता क्या हूँ।
इस तरह रोने और शोक मनाने से तो कोई फायदा नहीं ना। घर चले, बच्चों को आपकी जरूरत है, भाभी को आपकी जरूरत है। अगर भाभी को हमारा सहारा देना पसंद नहीं आया फिर क्या करोगे? आप ऐसा मत सोचें, वो आपका घर है, आपके भाई का घर है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सोहेल भाई अभी दुनिया में नहीं रही। दिल तो कभी नहीं मानेगा इस बात को, लेकिन हकीकत तो यही है ना। घर चले, रमशार अली के सर पे प्यार दे, हाथ रखे, उनको बताएं कि चाहे बाप नहीं है लेकिन उनके चाचू अभी भी हैं। भाभी से बात करें, उनको सहारा दें, उनको सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है तैमूर। बस करें, घर चले। आप सुन रहे हैं, घर चले। अरे अम्मा, अरे क्या हो गया? अरे लड़की क्या हो गया? हे छोड़, मुझे चक्कर आ जाएंगे, पागल हो गई है क्या? इधर इधर बैठ बैठ, इधर आ जा, इधर आ जा। हाय मेरी अल्लाह, मेरी तौबा। बैठ बैठ बैठ। हाय हाय। अरे अम्मा, मान ले तेरी सोनिया बहुत ही किस्मत वाली है। कसम से आज तो मुझे अपनी किस्मत पढ़ना रशकार है। वाह सोनिया, क्या किस्मत पाई है तुमने। अरे अब क्या हो गया, अब कौन सी लॉटरी निकल आई तेरी? यही समझ लो अम्मा, लॉटरी नहीं बल्कि बम्पर प्राइज बॉन्ड निकल आया मेरा इस बार। ए सोनिया, एक तो मुझे तेरी कोई समझ नहीं आती। ये कुछ रोज पहले तू बता रही थी कि सुहेल ने तुझे इतने ज्यादा पैसे दिए और वो तूने किसी कारोबार में लगा दिए और वहाँ से मुनाफा भी आना शुरू हो गया, फिर ये लॉटरी लेने की तुझे भला क्या जरूरत थी बेटा? अरे मेरी प्यारी अम्मा, भोली अम्मा, पैसा जितना भी हो ना उतना कम होता है, और वैसे ना आज तेरी अक्लमंदी ना मेरे काम आ गई है। अक्लमंदी? मैं समझी नहीं, क्या मतलब? जो हमने इद्दत के दिन जितने हमने फ्लैट में गुजारे हैं ना, किसी को भी कानों कान भिनक नहीं लगी मेरे और सुहेल की शादी की। अरे अक्लमंद कैसे नहीं होंगी, माँ हूँ तेरी। तो बस फिर तैयारी शुरू कर दो अपनी सोनिया को सही मानों में ब्याने की। क्या कह रही है, क्या ये सब क्या बोल रही है तू? क्या शादी नहीं करनी मेरी, ब्याना नहीं है मुझे, या सारी जिंदगी यहाँ अपने साथ बांध कर रखना है मुझे? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे तेरी शादी हो, तेरे नसीब अच्छे हो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तेरी बात की। वो सबीहा बेगम है ना, आसिम की अम्मा, चंद दिनों में आने वाली है हाथ पैर जोड़ कर मेरा रिश्ता लेने, और इस बार तो मेरी शादी धूमधाम से होगी, दिल के सारे अरमान पूरे करूंगी मैं। और वैसे भी अब जो शादी होगी ना वो पक्की होगी, आसिम मेरे जोड़ का भी है और अच्छा भी, उस सुहेल की तरह पक्की उम्र का नहीं है। शुक्र है जान छूटी टाइम से मेरी उससे।
बाबा को पता नहीं क्या हो गया, वो हमसे बात ही नहीं कर रहे। चाचू पत्थर आ रहे, चाचू प्लीज, बाबा आपको देखकर हैप्पी हो जाएंगे। चाचू आए ना। चलो, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। किंजा ने कहा है कि सुहेल भाई की वसीयत थी कि मरने के बाद तैमूर को मेरी शक्ल ना देखने दी जाए। किंजा भाभी झूठ बोलती हैं। मेरा भाई ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। मेरी बहन झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि वो झूठी है। देखिए, मुझे वसीयत का एहतराम करने दें, और अगर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया तो मुझे मजबूरन गार्ड को बुलवाना पड़ेगा। भाई, खुदा के वास्ते तैमूर के साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें। हमें एक सेकंड सुहेल भाई की शक्ल देखने दे, फिर हम चले जाएंगे। चलो बच्चों। और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? देखता हूँ मुझे कौन। प्लीज आप इनको समझाइए कि यहाँ पर कोई तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप अंदर नहीं जा सकते, इनको समझाइए। मैंने मेरे भाई का मुझे आखिरी दीदार भी नहीं करने दिया। चलिए यहां से चलते। कहाँ लेके जा रहे हैं सुहेल को? नहीं 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 नहीं, मत लेके जाए, मत लेके जाए, खुदा के लिए मत लेके जाए, खुदा के लिए मत लेके जाए। आसिम, ये लड़की कौन है? तुमने तारुफ नहीं कराया इसका। ये मेरी मामूजाद बहन है। ओह। और जुबी, ये सोनिया है। हम लोग पहले एक ही मोहल्ले में रहते थे और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। ना पड़ा तोता आसिम मेरे साथ, मोहब्बत करो तुम मुझसे और रिश्ता किसी और से जोड़ो। नहीं आसिम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जानता हूं तुम्हें खुद से दूर करने में मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, अब
तुम्हें हर्ट किया, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें आज भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझता हूं, जिससे मैं अपने दिल की हर बात, दिमाग की हर सोच शेयर करता था। प्लीज जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर तुम मुझे अपने आप से इतना दूर मत करो। नहीं जानता जूबी कब मैं सोनिया को इतना पसंद करने लगा कि उसकी वजह से अपनी जान से ज्यादा प्यारे रिश्तों का दिल दुखाने लगा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। हो सके तो मुझे माफ करना उस सब के लिए। पागल हो तुम आसिम, तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट, मोहब्बत ना चीज ही ऐसी है, इंसान बेबस हो जाता है, उसके बस में कुछ भी नहीं रहता। और जब दूसरा आपकी मोहब्बत से खाइफ हो ना, तो कभी कभी अपनी मोहब्बत को पाने के लिए दूसरों का दिल दुखाने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आसिम कम ऑन, तुम क्या बार बार सॉरी कर रहे हो, शर्मिंदा हो रहे हो? तुमने मोहब्बत की है ना, तुम्हारा पूरा राइट है, किसी को चाहना गलत नहीं होता है। और देखना, मैं खुद जाऊंगी सोनिया का हाथ मांगने के लिए। क्या मैं अपने बचपन के दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ सुबह, कोई सॉरी कोई थैंक्स नहीं। मैं खाना लगा रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। अरे अम्मा, ये क्या गिन रही हो? है सोनिया 21। आज सोनिया पूरे 21 दिन हो गए मेरे बच्चे जुल्फी का कोई फोन नहीं आया। बड़ी परेशान हूँ मैं। परेशान नहीं हो अम्मा, अभी उसके पास ना वो पैसे मौजूद हैं जो अभी उसे पिछले महीने भेजे थे। जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, देख लेना, दिन रात फोन कर करके हम दोनों का जीना हराम कर देगा, देख लेना। सोनिया तू समझती क्यों नहीं है, वो बेचारा वहां पे अपना कर्ज उतार रहा है, तभी तो रुका हुआ है। अच्छा। दो दो नौकरियां कर रहा है। मेरा बच्चा बता रहा था मुझे कि सोने के लिए उसे सिर्फ 2-3 घंटे मिलते हैं बस। पहले मुझे ये बताओ, किस बात का कर्ज? उसने हमें कोई कोठी कार तुम्हारा इलाज करवाया या मेरी शादी करवा रहा है? किस नाम का कर्ज चढ़ा हुआ है उस पर? मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ माँ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, बेवकूफ बना रहा है। तुम ना समझना, तुम्हें समझ आएगी नहीं कभी। कोई नहीं बेवकूफ बना रहा,
मेरा जुल्फी ऐसा नहीं है। कैसे फिर, कैसे है तुम्हारा जुल्फी? मेरी बात सुनो, अगर अब उसका फोन आया ना पैसों के लिए, तो उसको साफ साफ बता देना मेरे पास ना फूटी कोड़ी भी नहीं है उसको देने के लिए, और तुम्हें मैं महीने का खर्चा दे दिया करूंगी आसिम से शादी के बाद भी, मगर उस हट हराम के लिए ना मेरे पास एक रुपया भी नहीं है देने के लिए। उसे अपनी जबान से ना अच्छे से समझा देना, वरना तुम अच्छे से जानती हो मेरा अंदाज फिर बहुत बुरा है, मैं बोलूंगी ना फिर बहुत लगेगी सबको मिर्चे। हाँ तो भाभी, इस लड़की को तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, बच्चे की खैर हो।